हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में मुझे ज्वाइन कर रहा है मेरा फ्रेंड यश। सो थैंक यू सो मच यश फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्टर के बारे में, रिफ्लेक्टर को जो है फोटोग्राफी के अंदर कैसे यूज़ किया जाता है, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है और कैसे जो है आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। और मैं जो है इस रिफ्लेक्टर को सनलाइट में डायरेक्ट टेस्ट करने वाला हूँ। आपको जो है क्या फ़र्क पड़ता है हमारी फोटोज़ में, कैसे जो इसको यूज़ करना है, वो सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। और करते हैं इस चीज़ को फटाफट से टेस्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। चलो जानिए फोटोग्राफी और वीडियो प्रोडक्शन से रिलेटेड हर एक बात। वॉच, लर्न, एंजॉय। तो गाइज बात करते हैं रिफ्लेक्टर की। तो बेसिकली आपको पांच तरह की साइड्स मिलते हैं इस रिफ्लेक्टर में, जिससे जो है आप अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एक करके हर तरह की जो है इसके यूसेज बताता हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गोल्डन साइड की। तो गोल्डन साइड से आपने कैसे काम करना है, अब मान लीजिए सनलाइट यहाँ से आ रही है, तो आपने सबसे पहले सनलाइट को कैच करवाना है। तो सनलाइट जो है डायरेक्टली इसके ऊपर पड़नी चाहिए, इसके बाद जो है सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर सीधा जाएगी हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। तो एग्जांपल के लिए मैंने सबसे पहले जो है सनलाइट कैच करवानी है, तो मैं अभी सनलाइट जो है कैच करवा रहा हूँ इस साइड से। और कैच करवाने के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो सनलाइट का जो इफेक्ट है वो पूरा जो है यश के चेहरे पर आ रहा है। अगर मैं हटाता हूँ तो देखो कितना इफेक्ट जो है नहीं पड़ रहा, और अगर मैं लगाता हूँ तो इफेक्ट काफ़ी पड़ रहा है। तो गाइज ये चीज़ आप तब यूज़ करते हैं जब आपको जो है गोल्डन शेड देनी हो। अगर आप शाइन लाना चाहते हैं फेस के ऊपर, मान लीजिए आप मेकअप का शूट कर रहे हैं, या फिर आप जो है ज़्यादा गोल्डन टच देना चाहते हैं, गोल्डन फील देना चाहते हैं फेस पर, तो उस तरह के शूट में जो आप गोल्डन जो है रिफ्लेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ यूज़ करके। हालांकि जो है काफ़ी हार्श जो है अभी बन रही है, यश की आँखें खुल भी नहीं पा रही, इतना ज़्यादा जो है रिफ्लेक्शन है क्योंकि सनलाइट काफ़ी तेज़ है। तो इस तरह के पर्पज़ में जो है आपने गोल्डन वाले जो रिफ्लेक्टर को जो है साइड को यूज़ करना है। तो बात करते हैं गोल्डन के बाद इसकी वाइट साइड की। तो वाइट साइड जो है वो करती है फिल का काम। अगर आप मान लीजिए अपनी फोटोज़ में जब आप शूट कर रहे हैं, आप फेस पर लाइट को फिल करना चाहते हैं, तो इस पर्पज़ में आप काम कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखा। तो मान लीजिए अभी सनलाइट यहाँ से और सन की लाइट की वजह से जो है शेडो इस साइड ज़्यादा बन रही है। अब मैं उस शेडो को अगर किल करना चाहता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि वो शेडो काफ़ी हद तक कम हो जाए, हार्श शेडो बन रही है, तो मैं जो है इस तरह से जो है फिल कर सकता हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो कितना फ़र्क पड़ रहा है अगर यहाँ से देखें तो। और एक बात का गाइज आप ध्यान रखें, ऑलमोस्ट काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि रिफ्लेक्टर को हम नीचे की तरफ से मारते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। नीचे की तरफ से आप साइड से भी कर सकते हैं, साइड से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा जो है फिल आएगा लाइट का। अगर आप ध्यान से देखें तो जो इस साइड की शेडो है वो काफ़ी कम हो गई है, काफ़ी जो है इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इतना इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसमें भी सेम क्राइटेरिया काम करता है, सनलाइट को कैच करवा के सीधा लाइट सब्जेक्ट के ऊपर इस तरह से। तो इस तरह से गाइज ये जो है काम करता है। बेसिकली क्या है, ये आप जो शेडोज है वो फेस की किल कर रहा है। अब बात करते हैं गाइज इसके अंदर की साइड की। तो अंदर आपको जो है तीन साइड मिलती है, एक तो है डिफ्यूज़र, एक है ब्लैक साइड और एक है सिल्वर साइड। तो सबसे पहले मैं डिफ्यूज़र को बाहर निकालता हूँ और उसके बारे में बताता हूँ, फिर मैं जो है आगे उस चीज़ को डिस्कस करूँगा। तो इसको रखते हैं इस तरफ से और अब बात करते हैं डिफ्यूज़र की। तो गाइज ये जो डिफ्यूज़र है इसका काम क्या होता है, मेन बेसिकली इसका काम ये होता है गाइज, अगर आप हार्श सनलाइट को फेस पर सॉफ्ट करना चाहते हैं, डिफ्यूज़ करना चाहते हैं, तो उस पर्पज़ में जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अभी सनलाइट यहाँ से आ रही है और काफ़ी हार्श सनलाइट जो है यश की जो है फेस पर आ रही है। अगर मैं उस चीज़ को डिफ्यूज़ करना चाहूँ तो मैं यहाँ से जो है डिफ्यूज़ कर सकता हूँ इस साइड से। मतलब सनलाइट को आपने गाइज इस तरह से डिफ्यूज़ करना है, या जो भी आप मेन लाइट है आप उस साइड से जो है डिफ्यूज़ कर सकते हैं। हार्श लाइट को गाइज डिफ्यूज़ करने के लिए सबसे ज़्यादा ये काम आता है। अब हार्श लाइट को कितना सॉफ्ट करना है, कितना डिफ्यूज़ करना है, वो आपका जो है डिस्टेंस कितना है सब्जेक्ट से वो मैटर करता है। मान लीजिए सनलाइट यहाँ से, तो अगर मैं यहाँ से इस तरफ से डिफ्यूज़ करवा रहा हूँ इस तरफ से, तो फ़र्क ज़्यादा आएगा। अगर मैं यहाँ से करवा रहा हूँ तो और ज़्यादा आएगा। तो इस तरफ से गाइस इस तरह से आपने जो है इस डिफ्यूज़र को जो है यूज़ करना है। अभी ज़रूरी नहीं आप इसको सनलाइट में यूज़ करें, आप किसी भी आर्टिफिशियल अगर हार्श लाइट है उसमें भी आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी काम आ सकता है। अब करते हैं गाइज इसकी साइड चेंज और मैं आपको दिखाता हूँ कि इस साइड से कैसे काम करना है। तो सबसे पहले मैं इसमें इसको जो है इंसर्ट कर दूँ ताकि जो हमें एक बेस मिल जाए, और फिर हम इस रिफ्लेक्टर को यूज़ करके दिखाते हैं। तो गाइज एक साइड है ब्लैक साइड, एक साइड है सिल्वर साइड। तो सिल्वर साइड की बात करूँ तो सिल्वर साइड सबसे ज़्यादा काम आती है अगर आप सिल्वर टोन देना चाहते हैं। जैसे गोल्डन टोन थी, सेम उसी तरह से अगर आप
सिल्वर टोन देना चाहते हैं तो आप इस रिफ्लेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। सेम आपने सनलाइट कैच करवानी है और इस हिसाब से जो सिल्वर टोन है आपने फेस के ऊपर देनी है, और कितनी डेंसिटी रखनी है, कितनी ज़्यादा आप हार्श करना चाहते हैं, सॉफ्ट करना चाहते हैं, वो आपके डिस्टेंस पे मैटर करता है। आप आगे होना चाहते हैं, पीछे होना चाहते हैं, उस हिसाब से जो है आप इस चीज़ को है मेज़र कर सकते हैं और ऐसे यूज़ कर सकते हैं। आपने बहुत सारे वीडियो शूट में या फिर फोटो शूट में भी रिफ्लेक्टर का यूज़ देखा होगा, तो वहाँ पर जब आप सिल्वर शेड से देखते हैं या फिर गोल्डन शेड देखते हैं तो इससे आ रही होती है। अब बात करते हैं इसकी ब्लैक साइड की, तो ये है लाइट कटर। अगर आप लाइट को कट करना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ से कोई हार्श लाइट आ रही है, मुझे वो इम्पैक्ट नहीं डलवाना अपने फेस के ऊपर मॉडल के, तो मैं यहाँ पे लाइट को कट कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए सनलाइट अभी यहाँ से आ रही है और यश की जो है यहाँ पे थोड़ी बहुत लाइट आ रही है, अगर मैं मान लीजिए इस लाइट को कट करवाना चाहता हूँ तो मैं इजीली जो है ब्लैक ये डिफ्यूज़र इसकी वजह से ब्लैक कटर की वजह से जो है लाइट को कट करवा सकता हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा काम आता है लाइट को कट करने के मामले में। लाइट को जो अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो आप इस साइड को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंडोर शूट कर रहे हैं तो भी आप जो है इस चीज़ को लाइट कटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस जो ब्लैक साइड है सबसे ज़्यादा काम आती है लाइट को ऑब्जर्व करने के लिए। मान लीजिए अगर आप इंडोर शूट कर रहे हैं और लाइट जो है कहीं से बाउंस हो रही है, मान लीजिए यश के इस साइड जो है वॉल है वाइट कलर की और आप फ्लैश वहाँ से मार रहे हैं, तो उस फ्लैश की जब मार पड़ेगी या फिर जो फ्लैश की इंटेंसिटी होगी वो यहाँ से बाउंस करके सीधा यश के ऊपर आएगी, जो अगर हमें नहीं चाहिए तो हम इस साइड जो है इस ब्लैक साइड को रख सकते हैं, जिसकी वजह से जो है जिसकी वजह से गाइज आप उस लाइट को जो है कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है गाइज आपने ब्लैक साइड को यूज़ करना होता है। तो गाइज इस तरह से जो है आपने रिफ्लेक्टर को यूज़ करना है अलग अलग साइड से अपने पर्पस के अकॉर्डिंग। इस रिफ्लेक्टर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जो है इसे परचेज कर सकते हैं। एंड हाँ गाइज, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।